बाहुबली द बिगिनिंग सीन में इस वाले सीन को कैप्चर करने के लिए पूरे 6 महीने का समय लग गया था। इस मूवी में जो महेश मती और कालाकाई के बीच जो वार सीक्वेंस था वो हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में शूट किया गया था, और इस वाले सीन को कैप्चर करने के लिए रामोजी फिल्म सिटी में पूरे 110 एकड़ जमीन बुक किया गया था। तो बाहुबली द बिगिनिंग पार्ट को पूरा कम्प्लीट करने में करीबन 180 करोड़ रूपए खर्च किए गए थे, जहाँ पर केवल इस वाले सीन को क्रिएट करने में करीबन 30 करोड़ रूपए खर्च हो गए थे। बाहुबली में दिखाए गए ये वाला सीन पूरी तरह से रियल था, क्योंकि बाकी सारे मूवीज में ऐसे ऐसे सीन को क्रिएट करने के लिए VFX और CGI की मदद से क्रिएट किया जाता है, लेकिन बाहुबली के इस वाले एक्शन सीन में करीबन 90% सीन पूरी तरह से रियलिस्टिक था। और यहाँ पर जो आपने वार वाला सीन देखा था उसमें 2000 जूनियर आर्टिस्ट को इस वाले सीन को क्रिएट करने के लिए कास्ट किया गया था, जो वार में सिपाही का रोल प्ले किए थे। और इस वाले सीन में आपने विशाल का हाथी और घोड़े को तो जरूर देखा होगा, मैं आपको बता दूं कि वो भी पूरी तरह से रियल थे। इस सीन को कैप्चर करने के लिए 300 घोड़े और 12 विशाल का हाथी को हायर किए गए थे। इस सीन में आपने देखा होगा कि कलाकिया और सुलजर के बीच एक अलग ही लैंग्वेज में बात कर रहे थे, और मैं आपको बता दूं कि इस लैंग्वेज का नाम है किलिकी, और इस मूवी को बाहुबली मूवीज के लिए क्रिएट किया गया था। ये लैंग्वेज अक्सर रशिया, चीन और ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ ही जगहों पर देखने को मिलते हैं। किलिकी इस लैंग्वेज में 3000 वर्ड, 22 सिंबल्स और 40 ग्रामर रूल्स हैं, और सिर्फ एक मूवीज के लिए अननोन लैंग्वेज को क्रिएट किया गया था। बाहुबली द बिगिनिंग पार्ट में जो भी वेपन दिखाया गया था वो केवल इसी फिल्म के लिए डिजाइन किए गए थे। करीबन 20,000 अलग अलग हथियार सिर्फ इस अकेले मूवी के लिए डिजाइन किए गए, और इसके लिए करीबन 25 नेशनल अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट और टेक्नीशियन को हायर किया गया था। मूवी का ये वाला वार सीन को कैप्चर करने के लिए हरे रंग के पर्दे और ब्लू रंग के पर्दे का इस्तेमाल किया गया था, जिसे एडवांस क्रोमा की हेल्प से बैकग्राउंड सीन में VFX सीन से मर्ज कर दिया गया था। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि इस मूवी की करीबन 90% शूटिंग पूरी तरह से रियलिस्टिक है, और केवल 10% VFX ही इस मूवी में इस्तेमाल किया गया है। इस मूवी में जो आपने VFX को देखा उसमें प्रसाद VFX और फायरफ्लाई क्रिएटिव स्टूडियो का हाथ था, जो कि हैदराबाद की सबसे पॉपुलर VFX कंपनी है। बाहुबली का ये वाला एक्शन सीन स्टोरी वार के कंसेप्ट में तैयार किया गया था, और शूटिंग से पहले इस वाले वार सीन को प्री विजुअलाइज करे गए थे, और शूटिंग के दौरान इस वार सीन को काफी प्रैक्टिस करने के बाद एक एक स्पेशल शॉट कैप्चर किया गया था। लेकिन शूटिंग के दौरान काफी सारे प्रॉब्लमों का भी सामना करना पड़ा था, क्योंकि इस वाले सीन को कैप्चर करने के दौरान काफी ज्यादा तपा देने वाली गर्मी थी, जिसके लिए लाइट चेंजिंग एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, और इसके वजह से बार बार रीटेक लेना पड़ रहा था। मूवी के VFX के लिए ओपन ग्राउंड पर ग्रीन स्क्रीन और ब्लू स्क्रीन का भी सेटअप करने में काफी समय लग जाता था, और इतने सारे लोगों के साथ सेम एक्शन कर पाना ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था।